गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज फिर कल की तरह, जैसे कल का व्लॉग हमने बहुत एंटरटेनिंग बनाया था, आज का व्लॉग भी हम बहुत एंटरटेनिंग बनाने वाले हैं। मिलिए हमारे टिंकल भाई से। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बोल। हेलो गाइस, हेलो गाइस, नाश्ता हो रहा है भाई। आज का भी वो रूटीन है, कोई अच्छा सा व्लॉग लगाएंगे और नाश्ता करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली झटपट जो पाजी का देखेंगे उनके व्लॉग हमें बहुत पसंद है। और एक भाई आज नया बंदा, आजकल नया बंदा फेमस हो रहा है, आरुष भोला। आरुष भोला के व्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। नाश्ता करते हैं या तो झटपट जो पाजी के व्लॉग देखते हैं, आरुष भोला के देखते हैं। अब देखते हैं, तो फिलहाल जब तक ये बंद से आया हुआ है, ये वो लगा के रखता है साल दिन, GTA 5 लगा के रखता है, कभी पबजी लगा के रखता है, पता नहीं क्या क्या। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में नाश्ता करके। क्या हाल है भैया, कैसे? बढ़िया तो बता। बढ़िया, मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा यार सुबह से कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब कुछ बुरा बुरा हो जा रहा है, भैया से मिला हूँ। भैया यहाँ पे टीके लग रहे हैं, लगवाने हैं। कौन सी? हेपेटाइटिस बी। नहीं, दो दुकान छोड़ के। कौन कौन लगा? मंदिर में। अच्छा, ये हमारे भैया का ढाबा है, जहाँ से हम हमेशा बहुत स्वाद स्वाद खाना खाते हैं। भैया के हाथ का बना हुआ। मेरे दुकाने लड़के कहते हैं, कह रहे भाई जब हम खाना लेकर आते हैं तो स्वाद कुछ और होता है, जब आप फोन करके मंगाते हैं तो स्वाद कुछ और होता है। वो दिल से बनता है जो मैं मंगाता हूँ। एक हमारा भाई है सिद्धक, वो अमेरिका से ला गया, वो कहता था कि जिस दिन भैया के ढाबे ज्यादा स्वाद खाना किसी ढाबे ने बना लिया, उस दिन उसके हाथ कटवाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे आज कुछ खाने नहीं आया क्योंकि मैं चल रहा हूँ डाइट पे, अदरवाइज यहाँ आके मेरे को हमेशा क्रेविंग हो जाती है, इतना स्वाद खाना होता है। मैं भैया आपके ढाबे का प्रमोशन करूँ, मुझे 11,000 रुपये दे देना। मुझे 2500 दे देना। ये होगी दुकान की, हमारी बोनी भी होगी, बट्टा भी हो गया, सट्टा करवाना है। दिल्ली वाले अंकल तुम्हारी तारीफ करके चले गए, नोनू भाई स्मार्ट लग रहे हो। तुम्हें किसने बोला है? तुम्हें गलतफहमी कैसे हो गई है कि तुम स्मार्ट हो? बचपन से। आय हाय, हाँ तुम्हें गलत है, बचपन से कि तुम स्मार्ट हो या तुम बचपन से स्मार्ट हो? जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। नोनू भाई, इनके पास ग्राहक आता है 350 रुपये का पर्स होता है, कहता है ग्राहक 450 दूंगा, कि बेचते नहीं है, कहते नहीं मेरा तो भाई 500 रुपये बिक जाता है, मैंने नहीं बेचना। पैसा ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, माल नहीं खत्म करता, मैं प्रॉफिट से बेचूंगा। ये देखो, ये हमारी दुकान है, अंदर गली में हमारी दुकान है, और ये इधर है हमारे नोनू भाई की दुकान। क्या करके मानोगे तुम? ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क, ओह माय गॉड, इसका मतलब बता रहा। चलो तुमने पेन तो ली, इसका मतलब बता दो। ऑर्गेनाइज्ड कियोस्क का, अब तुमने पेन तो ली और मैंने पढ़ भी लिया, इसका मतलब बता रहा। चलो भाई, स्पाइडरमैन, अगर किसी भाई को अपनी बहन के लिए, या किसी भाई को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, या किसी भाई को अपनी मम्मी के लिए, या किसी बहन को अपने भाई के लिए सूट खरीदना हो तो आ सकता है यहाँ पर। रीजनेबल रेट में सूट मिलते हैं, धान का कपड़ा मिलता है, रेडीमेड सूट मिलते हैं, बिना सिले सिले सिला है। और तू अपनी बंदी के लिए कौन सूट मांग रहा था? तो वैसे इतना कैसे बोल रहे हो? आशू हथियार निकाल लो, बनता है अब तो। ये क्या करेगी? गाली गलोचनी, गाली गलोचनी। ओए बच गया। कल पार्टी में क्या क्या रखोगे तुम? दारू कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या एक प्लेट होगी जिसमें थोड़ा सा केक, एक समोसा, थोड़ी नमकीन और दो टॉफी मिलेगी। अगर तुमने आना हो तो आ जाना, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो अगर भाई से प्यार हो तो आओ, तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ठीक है भाई, दारू कौन सी होगी, ब्रांड कौन सा रख रहे हो? सारे ब्रांड है। अच्छा, रुक का कौन सा रख रहे भाई? खुद एक ब्रांड है। आए हाय, ब्रांड तो उसमें का है, उसका नाम मत ले लो।
भाई ये जो स्कूटी की गेड़िया है ना, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। अभी हम दोनों जा रहे हैं साहिल भाई के पास, उससे मिलने जुलने, और एक बार मैं फेमस हो जाऊंगा फिर तो मैं गाड़ी की चीजें भी एडवांस करा के रखने पड़ेंगे। स्कूटी में मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं जितना स्कूटी में घूमना है घूम लेता हूँ। मुझे भाई फीवर देखा तूने कभी? नहीं देखा। लेकिन आज देख ले, आज देख ले, अभी तो जुड़ा हुआ था तो अच्छा लगता था, तो टूट गया पूरा। वो नहीं था मनीष, मनीष खोखे वाला, सिगरेट वाला, उसका पूरा खोखा टूट गया। कम से कम असमान कितने साल पुराना था वो? 10-12 साल पुराना। मैंने उस दिन हमने व्लॉग में भी बोला था 10-12 साल पुराना खोखा था उसका। हम जब भी फीवर आते हैं भैया से काला खट्टा जरूर खाते हैं। भैया एक बार आए बोल देना तूने गोला वहां से लिया, अंकल से क्या लेने आया था तू? लेने आया मेरा हाथ बोल रहा हूँ। घर चल ले, लेट हो रहे पर नहीं नहीं, कुलचे खाने हैं भाई ने। मैंने नहीं खाने भाई, तूने खाने हैं। 1500 रुपए की बेल्ट लाया है, ये डेड लिफ्ट करेगा भाई। फिर डाइट तोड़ रहा है, ऐसे करेगा क्या तू? भाई मैंने नहीं खाने, बेकार की बकचोदी मत कर। मैं बनवा रहा हूँ अपने लिए जूस, ये बन रहा है जूस, साफ जूस भैया। लेकिन नो डाउट कितने स्वाद होते हैं कुलचे। ये ऑर्डर मैंने दिया, इन्हें दिया ये ऑर्डर आपको जो कुलचे का दिया वो मैंने दिया या इस भाई ने दिया? इसने दिया ना ऑर्डर सारा। ऐसे करोगे यार? मैं सच बता भैया, देखा भैया सच बोल रहे हैं बेटे, सही बात है, एकदम सही बात। गाइस हम पहुंच गए घर, वर्कआउट शर्कआउट सब कुछ हो गया, पूरा दिन आज बहुत फन रहा। वर्कआउट भी हम करके आए शाम को जाके, और ये देखो इसे और कोई काम नहीं है, रीले देखता रहता रात को लेट लेट के। भाई आरुष बोला, आरुष बोला आज मैंने उसका ब्लॉग देखते तक आडियो भरा भी इसमें। सो क्यों नहीं रहे आप? जाओ अपने रूम में सो। अबे ले पट्टा फैल ले अपना, फैल ले भाई। भाई नहीं अपना, एक बार पहले बुलाओ। मैं सुन को पट्टा बना रहा है, अपनी बारी में रोई है मत। गाइस ये एंड में ना रोता है, मेरे से सॉरी बोलता है कि चल भाई ठीक है मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ तेरे से। एक बार पट्टा पहन के दिखा दे, एक बार पहले पट्टा, पहले पट्टा पहनेगा नहीं पहनेगा एक बार। तो गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इसी के साथ सबको बोलते हैं गुड नाइट। जिसने व्लॉग देख लिया वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।